हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी गहराई हम 7.5 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद एक निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसको हम इस तरह से गोलाई देंगे। ये गोलाई देने के बाद हम यहाँ से बिल्कुल हल्की सी बुकरम छोड़ देंगे और इसको इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 1-1 इंच की दूरी पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम अपने बुकरम को अपने कुर्ती के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और जब भी आप इस बुकरम को पेस्ट करें तो ये बीच की दूरी नाप लें, ये 6 इंच होनी चाहिए क्योंकि डबल करके हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है। इसके बाद थोड़े बाहर बाहर से हम चारों तरफ से इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को इस तरह से मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम अपने गले को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं। और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से अपने गले की कटिंग करते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर इस तरह से एक कट लगाएंगे, फिर यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं और अपनी नोक हम किसी चीज़ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद आप चाहें तो इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लें और देखिए यहाँ पर आप तुरपाई कर लें। और आप सिलाई लगानी नहीं भी चाहें तो ऐसे भी चलेगा। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप इसमें इस तरह की डोरी लगा सकते हैं। इस डोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।